आज से ठीक कुछ दिन पहले तारक मेहता के मेकर्स ने इस बात को कंफर्म किया था कि शो में दिशा वकानी को रिप्लेस किया जाएगा। ऐसे में खबरें ये सामने आई कि नई दिशा बेन को लेकर मेकर्स ने तलाश शुरू कर दी है और इसके लिए ऑडिशंस भी लिए जा रहे हैं। लेकिन अब शो से जुड़ी एक लेटेस्ट खबर सामने आई है। खबर ये मिली है कि मेकर्स ने फाइनली दिशा वकानी को रिप्लेस कर नई दिशा वकानी की तलाश पूरी कर ली है। जी हाँ, ताज़ा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शो के मेकर असित मोदी ने दया बेन के रोल के लिए शो पापड़ पोल एक्ट्रेस अमित त्रिवेदी को अप्रोच किया है और उन्हें फाइनल भी कर लिया है। हालांकि अमी ने फिलहाल इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमी ने कहा है, जी नहीं, मुझे इस किरदार के लिए अप्रोच नहीं किया गया है, मगर मेरे कुछ दोस्तों का कहना है कि मुझे ये किरदार करना चाहिए। दया बेन का रोल मुझे सूट करेगा। अभी तक मुझे इस किरदार के लिए संपर्क नहीं किया गया। अब भले ही अमी शो के लिए अप्रोच करने की बात से इनकार करें, लेकिन कहते हैं ना कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। तो ऐसे में माना जा सकता है कि अगर हवाओं में अमित त्रिवेदी का नाम उड़ा ही है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में दया बेन के रूप में हमें अमित त्रिवेदी देखने को मिल जाएं। वैसे अगर बात करें दिशा वकानी की तो वो शो का सबसे पॉपुलर किरदार हैं, लेकिन साल 2017 से वो शो में नजर नहीं आई। ऐसे में कुछ महीने तक तो मेकर्स ने दिशा के आर्काइव शॉर्ट्स को यूज करके उनकी एब्सेंस को शो में फिल किया, मगर अब ये इंतजार काफी लंबा हो चला था। ऐसे में मेकर्स को उन्हें शो में रिप्लेस करने का बड़ा फैसला लेना पड़ा। और अब अगर वाकई दिशा को रिप्लेस करते हुए शो में अमी की एंट्री हो ही गई है तो ऐसे में देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या वो दिशा वकानी जैसी कॉमेडी कर पाएंगी। क्या अमी को भी दर्शकों का वही प्यार मिल पाएगा जो कभी दिशा पर लोगों ने लुटाया था। वैसे हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या आप दया बेन के रोल में वाकई अमित त्रिवेदी को देखना चाहते हैं या नहीं? साथ ही ये भी बताइए कि शो में दिशा को रिप्लेस किए जाने से आप खुश हैं या नहीं। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा।